उन्हें किसी ने जानकारी दे दी कि अमित जोगी का जन्म तो अमेरिका में हुआ है, उसकी जो नागरिकता है वो तो अमेरिकी है, और एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते वो कैसे आईएएस की परीक्षा में बैठ गया, कैसे उसका सिलेक्शन हो गया। तो जो हमारे देश का कानून था, जो कानून है भी, 18 साल तक अगर आपका जन्म कहीं दूसरे देश में हुआ है तो आप दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, जब तक आप स्वयं के विवेक से निर्णय न लें, लेकिन 18 के बाद आपको चुनना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया था, भारत में ही रह रहा था, यहीं मेरी शिक्षा हुई, दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया, फिर JNU से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में MA किया, और उसके बाद उसके बाद IAS की तैयारी कर रहा था। तो फिर इतना सब विवाद हो गया, अडवाणी जी ने भी संज्ञान ले लिया, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, तो अब गलती तो मुझसे हो गई थी, मुझे कायदे से उस समय परीक्षा में बैठने से पहले अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग देनी थी। अब मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कोई एकदम से बवाल उठ जाएगा, तो मुझे ये बोला गया कि ठीक है, आप 6 साल तक तो IAS की परीक्षा में, क्योंकि आपने एक डिक्लेरेशन किया है, अब जब हम लोग परीक्षा में एप्लीकेशन भरते हैं तो दस्तखत करना रहता है, बड़े छोटे से अक्षरों में था कि मैं ये शपथ पूर्वक बोल रहा हूँ कि मैं भारत का अथवा भूटान का नागरिक हूँ। अब उस समय मैं टेक्निकली तो अमेरिकी नागरिक था क्योंकि मेरे पास अमेरिकी पासपोर्ट था, तो उस कारण से फिर IAS में नहीं आ पाया। अब मैं क्या करता, उस समय आपको याद होगा कई सारे केसेस भी किए गए, एक CBI ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया था जिसमें मैं फिर बाइज्जत बरी भी हुआ, यहाँ की अदालत ने बरी किया, हाई कोर्ट ने बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया, पर जब मैं अपना केस लड़ रहा था तब तो मैं वकील नहीं था, तो मैंने ये तय किया कि ये